प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद कर रहा हूँ प्यारे बच्चों आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और घर में रहकर पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, हम कर रहे थे चैप्टर 2 की मिसलिनियस एक्सरसाइज, ठीक है। हम क्वेश्चन 1 से लेकर 7 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम इस लेक्चर में करेंगे जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक हम फिनिश कर देंगे सर, ठीक है। चलिए सर, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। 8 बहुत आसान है यार, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं इसमें। एक बार पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, क्वेश्चन कह क्या रहा है, ठीक है। लेट फंक्शन 11230 -1 -1 -3 बी ए फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड, ओके, डिफाइंड बाई एफ एक्स ए एक्स प्लस बी फोर सम इंटीजर ए बी डिटरमाइंड ए बी। चलिए सर, ये बोल क्या रहा है? देखो सर, ये कहना क्या जा रहा है क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है देखिए, ये कह रहा है कि एक मेरे पास फंक्शन है, वो इस तरह बनाया गया होगा, कुछ इस तरह होगा, साइड जेड सी बात है, ठीक है, इस तरह बनाया गया होगा ना। तो जेड टू जेड यानी इंटीजर, यहाँ भी इंटीजर, इसमें भी इंटीजर, 1 2 0 -1, तो जो पहले वाले एलिमेंट हो गए वो इस वाले सेट में आएंगे, 1 2 0 -1, 1 2 0 और 1 2 0 और -1, ठीक है। 1 3 1 1 3 -1 और -3, ठीक है, ऐसा कुछ इनका बन रहा होगा रिलेशन आपस में, ठीक है सर। चलिए सर, अब प्यारे बच्चों ये कह रहे हैं बी ए फंक्शन, ठीक है, जिसको डिफाइन किया गया ना, जिसको डिफाइन किया गया है, इसको डिफाइन इस तरह किया गया है, किस तरह, ए एक्स प्लस बी, एक्स प्लस बी, ठीक है, इस तरह इसको डिफाइन किया गया। जैसे कि हर एक रिलेशन को या हर एक फंक्शन को डिफाइन किया जाता है ना, इसको डिफाइन इस तरह किया गया है। अब प्यारे बच्चों मुझे कह रहा है कि आप ए और बी की वैल्यू निकालिए, हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है। चलिए सर निकालते हैं, सबसे पहले लिखते हैं लेट एफ एक्स को वाई मान लो, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। सबसे पहले क्या करो सर, एफ एक्स को ना वाई लेट कर लो, आप कर लिया, ये तो वाई होता है, ठीक है सर, ए एक्स प्लस बी। और आप जानते हो प्यारे बच्चों, ये मेरे पास फंक्शन है, हाँ सर है, ये मेरे पास इनपुट है, ये मेरे पास आउटपुट है। तो ये अगर ये मेरे पास फंक्शन है, ठीक है, तो जो पहले वाली वैल्यू होती है वो होती है हमारी क्या सर, डोमेन, और दूसरी वाली वैल्यू होती है हमारी रेंज। यानी पहली वाली वैल्यू हमारी एक्स की होती है और दूसरी वाली वैल्यू होती है वाई, पहली वाली वैल्यू एक्स, ये वाई, यानी डोमेन रेंज, डोमेन रेंज, डोमेन रेंज, डोमेन रेंज। यानी किसी भी फंक्शन में जो फर्स्ट वाला एलिमेंट होता है वो, यानी वो एक्स को रिप्रेजेंट करता है और सेकंड वाला एलिमेंट वाई को, ये एक्स ये वाई, ये एक्स ये वाई, ये एक्स ये वाई, अगर आपने इसका बेसिक पढ़ा है तो आपको पता होगा, है ना। तो फर्स्ट वाला एलिमेंट यानी एक्स, जैसे यहाँ पर बात है तो ये है, इन्हें हम बोल सकते हैं एक्स और इन्हें हम बोल सकते हैं वाई। तो यानी प्यारे बच्चों मैं बात करूँ, अगर जब एक्स की वैल्यू 1 है तो वाई की वैल्यू क्या है 1, यानी सर यहाँ भी 1 और एक्स की वैल्यू 1 है, तो 1 into a, तो यानी a प्लस बी इक्वल टू में क्या आ रहा है सर 1। इसको पहला इक्वेशन मान लो, a प्लस बी इक्वल टू 1, ये समीकरण नंबर 1 हो गया, ठीक है। सेम सर एक काम बोल लो, सेम सॉरी a इज इक्वल टू ax प्लस बी, मेरे पास सही डस्ट बहुत ज़्यादा उड़ रहा है यार, ठीक है, y इक्वल टू x प्लस बी। सेम सर अगले में, जब x की वैल्यू 2 है यानी y की वैल्यू कितनी है 3, तो सर y 3 है और x की वैल्यू कितनी है सर 2 है, ठीक है। तो इसको अगर प्रॉपर फॉर्म में लिखूँ मैं तो ये हो जाएगा 2a प्लस बी इज इक्वल टू इक्वेशन 2, है ना, ये हो गया। अब प्यारे बच्चों दो इक्वेशन बन चुके हैं, अब सर क्या इनका यूज नहीं करेंगे यार? मैं जब दो इक्वेशन बन चुके हैं और क्लास 10th में हमने इक्वेशन को सोल्व करना सीखा है, हम इनसे भी सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो सिर्फ दो इक्वेशन बनानी है और दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लो और हमारा एक्स और वाई का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। चलिए सर, है ना, बात करते हैं सर कि ए प्लस बी इक्वल टू 1, ए प्लस बी इक्वल टू 1 और 2a प्लस बी इक्वल टू में क्या आएगा सर 3 आएगा, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड। सर आप किसी मेथड का यूज कर लीजिए, ठीक है, हमारे पास क्लास सेंटर में बहुत सारे मेथड्स है, है ना, एक क्रॉस मल्टीप्लेस मेथड था, एक एलिमिनेशन मेथड था, ठीक है, और एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ठीक है। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, वैल्यू चेंज कर देते हैं, एलिमिनेट मेथड का यूज करते हैं, मान के चलो,
ठीक है। तो बेटा काम करो, सोल्व करना ना, आप सोल्व करना जानते हो आप? यस सर। क्या? यस सर। जानते हो ना? सर। अच्छा चलो, बढ़िया बात है। तो सबके साइन चेंज कर दो, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस। अब यहाँ मत पूछना सर आपने साइन चेंज क्यों कर दिया, क्लास टेंथ में मेथड पढ़े हैं ना सोल्व करने के। ठीक है सर, तो सबके साइन चेंज कर दो, यानी इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड घटा दिया। जिसको नहीं पता ना, सब्ट्रैक्ट, लो यार लिख दो मैंने, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है सर। अच्छा तो सर सबके साइन चेंज कर दिए, ये बेचारा प्लस माइनस कैंसिल। ए में से क्या माइनस करना है, 2a, और 1 में से माइनस कर दो 3। a में से घटाओ 2a माइनस के a, 1 में से घटाओ 3 माइनस का 2, माइनस माइनस कट गया, a की वैल्यू क्या आ गई सर, 2 आ गई। अब इस वैल्यू को कहाँ पुट कर दो, जो a की वैल्यू आई है उसे इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में कहीं पुट कर दो। तो मान के चलो मैं लिख रहा हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, जो a की वैल्यू आई है उसे कहाँ पुट कर दो, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। तो ये है a प्लस b इक्वल टू क्या है, 1 है। तो सर a की जगह क्या रखेंगे हम, जहाँ पर a है वहाँ आएगा 2, प्लस b इक्वल टू 1। सर ये प्लस वहाँ जगह माइनस हो जाएगा, ठीक है, b की वैल्यू क्या आ जाएगा सर, माइनस 1 आ जाएगी। तो यानी कि लास्ट में लिख दो हैंस, लास्ट में ऐसे लिख सकते हैं हैंस ब्रैकेट के अंदर कि सर a की वैल्यू क्या आ गई है, 2 आ गई है, और b की वैल्यू क्या आ गई है सर, माइनस 1 आ गई है। a की वैल्यू आ गई 2 और b की वैल्यू आ गई है माइनस 1। तो सर ये यही तो मुझे निकालना था, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू माइनस 1, ये दो चीज़ निकालनी थी। अब इसी के साथ सर ये a और b दोनों के वैल्यू आ चुकी है, एक काम कर लो प्यारे बच्चों, जल्दी से इस क्वेश्चन नंबर 8 को आप राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। चलिए सर अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन 2 ने 9 क्वेश्चन नंबर 9। सर क्या कहता है, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझने में बच्चों को काफ़ी दिक्कतें होती है, बच्चे कहते हैं, और बेसिकली ये ना क्लास 12th में इस तरह क्वेश्चन देखा, इस तरह के क्वेश्चन देखे गए हैं क्लास 12th के अंदर, जब आप क्लास 12th में जाओगे। तो बच्चों ये क्वेश्चन कहता है कि लेट आर बी ए रिलेशन फ्रॉम एन टू एन, ठीक है, एक रिलेशन है वो एन टू एन है। सबसे पहले हमें समझना होगा ना कि जो रिलेशन बनाया गया है वो कैसा है, मतलब रिलेशन तो दो सेट के बीच में होगा, पर मतलब जो पहले वाला सेट है उस पर भी एन टू एन, मतलब उसमें भी नेचुरल नंबर है, और जो दूसरा वाला सेट है उसमें भी नेचुरल नंबर है। तो सबसे पहले कहीं ना कहीं ऐसा बोलना चाह रहा है कि देखो जो पहले वाला सेट है उसमें भी नेचुरल नंबर्स हैं, और जो दूसरा वाला सेट है उसमें भी क्या है, नेचुरल, मतलब इसमें भी नेचुरल नंबर होंगे, यहाँ भी नेचुरल नंबर होंगे, ठीक है। चलो सर अब एन टू एन, अब जो रिलेशन को डिफाइन किया गया है, देखो अगर दो सेट के बीच में आपस में कुछ रिलेशन बन रहा है तो उनको डिफाइन तो किया गया होगा, जाहिर सी बात है, बिना डेफिनेशन के तो रिलेशन बन ही नहीं सकता भाई, बिल्कुल सर नहीं बन सकता। तो जो रिलेशन को डिफाइन किया गया आर ए और बी, मतलब कि इसमें जो एलिमेंट आएंगे उन्हें ए बोला गया है, ठीक है, और यहाँ जो एलिमेंट आएंगे अगले सेट में उन्हें बी बोला गया है, ठीक है। ए है ना, ए और बी के बीच में इस तरह बना है कि जो ए, जो इस वाले सेट में जो एलिमेंट आएंगे वो भी नेचुरल नंबर है, ए और बी बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर से, यानी इस वाले सेट के एलिमेंट भी नेचुरल नंबर हैं और इस वाले सेट के एलिमेंट भी नेचुरल नंबर हैं, ठीक है। चलो सर, तो अब रिलेशन को डिफाइन ऐसा किया गया कि ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब ये सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाती है कि ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर क्या कहना चाह रहा है, मतलब कि इस वाले एलिमेंट, इस वाले सेट में जो एलिमेंट आएंगे वो ए, और यहाँ पर जो आएंगे वो बी स्क्वायर। बच्चे कह रहे हैं सर किस तरह, देखो जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, बाय द वे मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ इस तरह, है ना, कि इस वाले सेट और इस वाले सेट के बीच में किस तरह का रिलेशन बन रहा है उसको मैं एक छोटा सा नमूना आपको दिखा रहा हूँ। देखिए प्यारे बच्चों, ये कह रहा कि ए बराबर बी स्क्वायर के, देखो यहाँ पर ना कोई नंबर लिखो, जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, ठीक है, यहाँ पर हम कोई नंबर लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ लिखा 2, सॉरी मैंने, हाँ मैंने यहाँ लिखा 2, दोनों में नेचुरल नंबर आना चाहिए, यहाँ लिखा मैंने 2, ठीक है, 2 का जो स्क्वायर करोगे आप, जो 2 का स्क्वायर करोगे, ठीक है, और 2 का स्क्वायर क्या आएगा सर, 4 आएगा, है ना। क्या बोला गया है कि जब ये जो नंबर है, जो पहला वाला नंबर है ना वो दूसरे वाले नंबर के स्क्वायर के बराबर है। देखो 1 के स्क्वायर बराबर, मतलब 1 का 1 के साथ बन रहा है, तो मैं इसको इसे हटा देता हूँ, दिखाने के लिए कर रहा था मैं,
ठीक है। तो 4 का 2 के साथ क्यों बन रहा है, क्योंकि भैया अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। ऐसे ही मुझे जैसे बोला कि मैं लिखते हैं 3 का स्क्वायर क्या होता है सर, 3 का स्क्वायर क्या होता है, अगर 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आएगा यानी 9। ऐसे ही सर 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर क्या होगा सर, 16 होगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे रिलेशन हमारे पास इस तरह बन रहे हैं, ठीक है सर। ये समझ गए, सबसे पहले समझना पड़ेगा ना, बोल क्या रहा है ये हो गया। अब ये कह रहा है कि आर फॉलोइंग आर ट्रू, मुझे 3 स्टेटमेंट बताई गई है, मुझे बताना है ये तीनों स्टेटमेंट ट्रू हैं या फॉल्स हैं। चलिए सर ट्रू फॉल्स की बात करते जरा यार फटाफट, ठीक है। कह रहा है कि फर्स्ट ए ए बिलोंग टू रिलेशन, ओके ओके, फॉर ऑल ए बिलोंग टू नेचुरल नंबर, अच्छा। कह रहे कि क्या ये ऐसा संभव है कि जब हम कोई रिलेशन बना रहे हैं ना, पहला वाला एलिमेंट भी ए हो, दूसरा वाला एलिमेंट भी ए हो। जैसे मान के चलो बेटा, आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर जो बी था वो भी, ये भी 1 है, ये भी 1 है। मतलब जैसे जब दो एलिमेंट के बीच रिलेशन बन रहा है तो दोनों एलिमेंट अलग अलग हैं। देखो ये बी है, ये ए है, ये बी ये ए, ये बी ये ए, इस बात को समझते हो आप। तो ये 2 और 4 दोनों डिफरेंट एलिमेंट है ना, हाँ सर। 3 और 9 दोनों डिफरेंट एलिमेंट है ना, हाँ है। 4 और 16 दोनों डिफरेंट एलिमेंट है, हाँ है। और 1 और 1 तो दोनों सेम एलिमेंट है, 1 और 1 दोनों सेम एलिमेंट है। अभी कह रहा है क्या ऐसा पॉसिबल है कि जिस तरह ए ए आ रहा है, मतलब है ना, जैसे 1 1 आ रहा है तो 1 का स्क्वायर करने पर 1 ही आता है, तो क्या ऐसा हर एक केस में होगा, क्या ऐसा हर एक केस में पॉसिबल है। ये कह रहा है ना फॉर ऑल ए बिलोंग टू एन, मतलब जो जो ए है ना ये दोनों, चलो ये मतलब जो ए लिखा गया है ये दोनों ए नेचुरल नंबर है, ठीक है। कह रहे ये दोनों ए नेचुरल नंबर है ना, ठीक है, नेचुरल नंबर तो होंगे कोई बात नहीं। पर कह रहा है क्या ए बिलोंग टू आर, तो कह रहा है ये बोलना चाह रहा है क्या ऐसा हर एक केस में पॉसिबल होगा यार, ये सिर्फ एक केस में पॉसिबल हो रहा था ऐसे कि इसका स्क्वायर करने पर ये आ रहा था, इसका स्क्वायर करने पर बेटा ये आ रहा था, है ना, ठीक है। पर क्या हर एक केस में ऐसा आ रहा है ये, नहीं। मतलब अगर जो स्टेटमेंट बोली गई है ना, तो भैया वो उसको हमें सिर्फ एक पॉइंट पर चेक नहीं करना, उसको हमें हर एक पॉइंट पर चेक करना होगा, तभी हमें पता लग पाएगा कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि क्या करना पड़ेगा सर, यहाँ बोलना पड़ेगा पहले फर्स्ट के लिए सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं ऐसे लिखता हूँ, जैसे बाय द वे, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए सपोज ये लिखना क्या है, जैसे मैंने लिख दिया कि 4 2 है ना, 4 2 जो है 4 और 2 ये बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, दोनों 4 और 2 बिलोंग कर रहा है किससे, रिलेशन से, है ना, ठीक है, 4 और 2 बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, ठीक है सर। या हमने ये 2 मिनट के लिए, चलो ऐसे नहीं, 4 2 मत लिखो, 4 2 मत लिखो, जैसे हमने मान लिया बाय द वे लेट, ऐसे मान लो लेट मान लो कि 2 2 बिलोंग करता है रिलेशन से, मैंने मान लिया लेट 2 और 2 बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, ठीक, वैसे कर नहीं रहा है ना, पर इसका मतलब मान लिया, तो इसका मतलब क्या होगा, ठीक है, अच्छा 2 2 बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, ठीक है जी, और जहाँ पर 2 क्या है, नेचुरल नंबर है, 2 नेचुरल नंबर्स है ना, ठीक है। अब अगर ये रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, अगर 2 और 2 दोनों अगर रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहे होंगे भाई। कंडीशन क्या है कि इसका जो स्क्वायर होना चाहिए है ना, वो इसके बराबर होना चाहिए, ये तो है कि जो इसका जो, अगर जब मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो ये आना चाहिए, है ना। तो सर 2 का स्क्वायर करने में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, क्या 4 2 के बराबर होता है, नहीं। अरे कंडीशन क्या है, जैसे यहाँ था, जैसे मैंने कहा 4 और 2, क्या 4 और 2 रिलेशन से बिलोंग करते हैं, यस सर करता है, क्योंकि 2 का स्क्वायर करने पर 4 तो आता है, अरे 2 का स्क्वायर करने पर 4 नहीं आएगा, 2 का स्क्वायर 4 है, अरे 4 है आ रहा है, ठीक है। 3 और 9 रिलेशन से बिलोंग करता है, क्यों, यहाँ पर 3 है क्योंकि 3 का स्क्वायर करने पर 9 आएगा। अब मैंने बोला यहाँ पर कि क्या 2 और 2 रिलेशन से बिलोंग करता है, नहीं। मैंने मान ले पहले और जिससे कहने दोनों एलिमेंट सेम होना चाहिए, मान ले ये भी 2 है, ये भी 2 है, लेट ये बिलोंग करता है रिलेशन से, तो यानी 2 नेचुरल नंबर है, साथ साथ नेचुरल नंबर भी है, तो इसका मतलब ये होना चाहिए सर, ठीक है। तो यानी कि 2 का स्क्वायर है ना, अच्छा पर क्या, अच्छा ऐसे लिख देता है, हाँ ये सही है, बताओ क्या 2 का स्क्वायर
देन ऐसे लिखते देन है ना, तो क्या टू का स्क्वायर टू के बराबर होता है? टू का स्क्वायर क्या होता है? फोर, फोर टू के बराबर नहीं होता तो है ना, तो ऐसे लिखना पड़ेगा कि बट जो हमारा कंडीशन है ना, बट ये इसको ऐसे मानो, इफ इसको इफ मान लेते हैं, इफ है ना, इफ टू और टू बिलोंग टू रिलेशन, अगर टू इफ मान लेते हैं ये कर रहा है तो सर इसका मतलब ये है ना, तो अगर ऐसा कुछ होगा तो सर यहाँ पर, तो यहाँ पर ऐसे लिख दो हैंस इट इज नॉट सेटिस्फाई द, ठीक है ये हैंस इट इज नॉट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन ऑफ द रिलेशन, ठीक है जो रिलेशन की गिवन कंडीशन थी ये उसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है जिसके कारण, ठीक है तो द जो भी स्टेटमेंट था मेरे पास, द गिवन स्टेटमेंट इज, द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, जो मुझे ऊपर स्टेटमेंट दिया गया सर वो क्या होगा, वो फॉल्स होगा। ये हर एक केस में होनी, ये हो ही नहीं पाएगा, सिर्फ वन वन के केस में हो सकता है ये, बाकी इस केस में हो रहा है ये नहीं, तो टू का स्क्वायर करने पर क्या इसके बराबर आ रहा है, नहीं हो पा रहा। अगर दोनों नंबर सेम है, अगर मैं यहाँ पर टू लूँ यहाँ पर टू लूँ तो ये इक्वल नहीं आ रहा, तो हैंस इट इज नॉट सेटिस्फाइंग द रिलेशन को, ठीक है तो ये स्टेटमेंट क्या है मेरे लिए फॉल्स है ना। मुझे सर इसमें क्या बताना था, मुझे इसमें ट्रू और फॉल्स तो बताना है, बिल्कुल। चलिए सर ट्रू फॉल्स हो गया, अब देखते हैं अगला कंडीशन, ठीक है चलिए बच्चों इसका सेकंड केस यहाँ पर देखते हैं, इसका सेकंड केस बता रहा है। सेकंड केस कहता है कि ए बी, अगर ए और बी बिलोंग करते रिलेशन से, ठीक है तो ये इम्प्लाइज करे, इसका मतलब ये निकलेगा कि बी और ए बी, अगर ए और बी रिलेशन से बिलोंग करते हैं तो कह रहे क्या बी और ए बी रिलेशन से बिलोंग करेगा, एक बार देख लेते ठीक है। लेट कोई नंबर ले जाए, कोई नंबर ले जाए, ये ले लो आप, चार और दो ले लो, लेट फोर टू बिलोंग करते हैं रिलेशन से, फोर और टू बिलोंग करते हैं रिलेशन से, वो कर ही रहे हैं वो तो आप देख रहे हो कैसे कंडीशन के भैया, क्योंकि टू का स्क्वायर करने पे क्या आ रहा है, टू का स्क्वायर करने पे क्या आ रहा है, फोर आ रहा है, ठीक है टू का स्क्वायर करने पे फोर आ रहा है, ठीक है अच्छा। इफ ये आ रहा है, ठीक है ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इफ टू फोर है ना, यदि अब ये ए था ये बी था, ये तो था, अगर ए और बी रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं तो मैंने फोर को ए मान लिया और टू को बी मान लिया, ठीक है तो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, कर रहे हैं, तो कह रहा है फिर अगर ए बी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो क्या बी ए भी करेगा, बी मतलब टू और ए मतलब फोर ना, आगे पीछे हो जाएगा है ना, तो ये बी और ए हो जाएगा, ऐसे तो कर रहे हैं, तो कह रहे तो क्या बी ए भी करेगा, क्या बी ए भी करेगा, ठीक है एक बार चेक करते हैं भैया, कह रहे इफ बी ए बिलोंग टू रिलेशन, अगर बी ए रिलेशन से बिलोंग करता है इसका मतलब क्या होना चाहिए सर, देखो सर दो, अच्छा क्या सर क्या चार के स्क्वायर दो के बराबर होता है, भाई रिलेशन में तो यही बोला गया है ना, कि रिलेशन में क्या बोला गया है कि सेकेंड वाले का स्क्वायर करने पर फर्स्ट वाला एलिमेंट आना चाहिए, जैसे टू का स्क्वायर करने पर फोर आया, तो क्या अगर बी ए रिलेशन से बिलोंग करेगा तो इसका मतलब चार का स्क्वायर करने पर क्या आना चाहिए, दो आना चाहिए, तो क्या चार का स्क्वायर करने पर दो आ रहा है, नहीं आ रहा सर, तो यानी इसका मतलब ठीक है, तो ये हम बोल सकते हैं इट मीन्स हम जो बोल सकते हैं, हाँ ये है ना कि इट मीन्स ये ऐसे बोल सकता हूँ, हियर मैं लिखता हूँ, हियर ए बी बिलोंग टू रिलेशन बट बी ए नॉट बिलोंग टू रिलेशन, यहाँ पर ए बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन से बट बी ए रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, हैंस इट इज फॉल्स स्टेटमेंट, हैंस इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, जो भी है इट इज फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है ये फॉल्स स्टेटमेंट है बेटा, ये हो गया। चलिए सर
आप थोड़ा सा एक और समझ लेते हैं, स्पेस कम है, स्पेस तो बहुत ज़्यादा है पर मैं तो इतना बड़ा बड़ा लिख देता हूँ ना, एक ही सवाल आ पा रहा है। ठीक है, करने के लिए तो हम इसको वैसे बहुत सारे क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। सर आई कहता है कि अच्छा ए भी बिलोंग करता है रिलेशन से, ओके ठीक है, अब एक कंडीशन है, कह रहे ए भी कर रहा है, मुझे दिखाना पड़ेगा अगर ए भी रिलेशन में है, ठीक है, बी सी भी रिलेशन में है, तो कह रहे इसका मतलब ए सी भी होगा, मतलब ये बोलना ना कि दादा भी पुलिस मंत्री हैं, पापा भी मंत्री हैं, तो क्या बेटा भी मंत्री होगा? वो तो पॉलिटिक्स में हो सकता है ऐसे, दादा राजा थे, पापा राजा थे, तो बेटा भी राजा होगा? नहीं बेटा, अब राजा का बेटा राजा नहीं होगा, राजा वही होगा जो हकदार होगा ना, वही बात है। तो यहाँ पर भी हमने मान लिया, देखो कि हमें पता है कि जैसे क्या चीज़, एक बड़ा नंबर मानो, अब दिमाग में ढूंढो कि जहाँ पर ये दोनों बिलोंग कर ही रहे होंगे, मतलब ऐसे नंबर लेने बिलोंग कर ही रहे होंगे और ये भी कर ही रहे होंगे, अच्छा करना फिर ये करेंगे नहीं करेंगे, मतलब इनके बिहाफ पे मुझे ये सोल्व करना है। जैसे मैंने ले लिया, बड़ा सोचो ठीक है, 14 सोच ले, 14 नहीं 16, चलो 16 सोच लेते हैं। जैसे मैंने मान लिया कि लेट का जैसे 16 होता है, जैसे मानो 16 और 4 होता है ना, 16 और 4 बिलोंग करता रिलेशन से, करता भाई हाँ, बड़ा सोचो भाई कैसे, देखो अब अगर आप अगर क्या करोगे, अब 4 का स्क्वायर करोगे तो 4 का स्क्वायर करने में 16 आता है? यस सर आता है। ठीक है, तो ये ए है, ये बी है, दोनों ए बी है ना, ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब कह रहे बी और सी भी बिलोंग करता है, मतलब इस बार मुझे क्या लेना है, इस बार यहाँ पर वो आना चाहिए, 4 आना चाहिए। देखो ए और बी का मतलब पहले 16 बाद में 4, फिर कह रहे बी और सी भी कर रहा है, यानी मुझे यहाँ क्या लेना पड़ेगा, यहाँ मुझे लेने ये क्या लेना पड़ेगा, बी, तो बी मतलब 4, ठीक है, और 4 के साथ यहाँ 4 किसका स्क्वायर होता है, दो का होता है, हम माइनस 2 का भी होता है वैसे ना, पर नेचुरल नंबर है। कोई बच्चा बोल रहा होगा सर माइनस 2 के बाद स्क्वायर होता है, पर बाबू समझो ये सारे टन टन टन, यहाँ क्या बोला गया है कि नेचुरल नंबर लेने हैं, ऐसा समझा क्या, ठीक है ना सर, नेचुरल नंबर लेना है अपन, ठीक है। चलिए सर, यानी देखो ये ए है, ये बी है, बी क्या था 4, ये बी है, तो ये इसको सी मान लो, ये हो गया, तो भाई सेटिस्फाई कर रहा नहीं कर रहा, कर रहा ना भाई, 2 का स्क्वायर करने पर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है ना, 2 आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, ए बी कर रहा है सेटिस्फाई, बी सी कर रहा है, अब क्या ए सी करेगा है ना, ए सी करेगा, यानी ए सी मतलब क्या, ए सी, तो ए का मतलब क्या भाई, ए सी बोल रहा है ना, ए का मतलब क्या है, एक है सोलह, ठीक है, और सी क्या है, सी क्या है टू है, तो क्या 2 है ना, तो क्या 2 का स्क्वायर 16 के बराबर होता है, क्या 2 का स्क्वायर 16 के बराबर होता है, तो यानी कि सर सिक्स ए सी हमारे पास क्या था, ए और सी ना, तो ए मतलब 16 और सी मतलब 2, यानी 16 और 2 रिलेशन से बिलोंग नहीं करेगा, 16 और 2 करेगा बिलोंग नहीं करेगा, तो 16 और 2 रिलेशन से बिलोंग नहीं करेगा, तो थर्ड स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स है ना, हैंस इट इज आल्सो अ फॉल्स, ये भी क्या हो गया, एक फॉल्स स्टेटमेंट, क्या हो गया सर, फॉल्स स्टेटमेंट हो गया, यानी गलत कथन हो गया, हिंदी में इसको बोलते हैं गलत कथन हो गया। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ बेटा थोड़ा आप चीज़ें समझ रहे होंगे, तो ये चैप्टर वही बच्चा समझ सकता है जिसने स्टैंडिंग से बेसिक से पढ़ा होगा और हमारी सारी वीडियोस देखी होगी, तभी आपके समझ में आ सकता है सर, नहीं तो बीच में इसका बेसिक नहीं पता होगा तो कैसे समझ जाओगे, रेंज क्या है, डोमेन क्या, नहीं समझ पाओगे है ना। तो सर एक काम करो, जल्दी से इसको राइट डाउन कर लो, फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ, 10 की तरफ, जल्दी से बेटा फटाफट क्विक फास्ट। चलिए सर अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है सर कि इफ लेट ए, जो ए सेट है उसमें एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, बी सेट में जो एलिमेंट है 1, 5, 9, 11, 15, 16। अब ये जो फंक्शन है उसको डिफाइन किया गया है, डिफाइन नहीं, उसके कुछ एलिमेंट दिए गए हैं, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना 1, 5, 2, 9, 3, 1, 4, 5, 2, 11। आप बोलोगे सर ये तो मुझे एक ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, कह रहे आर द फॉलोइंग आर ट्रू, कह रहे ये जो फंक्शन है क्या ये ट्रू है, आर द फॉलोइंग आर ट्रू,
ठीक है। अच्छा एक मिनट बेटा, वेट अ मिनट, मैंने कहीं बाय द वे क्वेश्चन को, ठीक है ठीक है, अच्छा ठीक, ओके ओके, ये ट्रू है कि नहीं है, ठीक है पहला, ठीक है। अच्छा ऐप इज अ रिले ऐप, अब पहला चीज़, ठीक है पहले ये कह रहे ये चीज़ है कि नहीं, फिर कह रहे ऐप इज ए, अच्छा आर द फॉलोइंग, सॉरी, ये जो नीचे बताए गए हैं ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। ऐप इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, है ना, क्या जो ऐप एक रिलेशन है ए से बी का, पहले ये बताना है। ऐप एक फंक्शन भी है ए से बी का, ठीक है। जस्ट वाई योर आंसर इन ईच केस, दो मुझे दो पार्ट दिए हुए हैं और दोनों पार्ट में मुझे अपने आंसर को बताना है, ट्रू है और फॉल्स है। अगर ट्रू है तो क्यों ट्रू है, और अगर फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है, ठीक है। चलिए सर एक काम करते हैं बेटा, इस क्वेश्चन को सोल्व यहाँ पर करते हैं, पहला पार्ट इसका लेते हैं। अब अगर ये बोला गया है ना मुझे कि ऐप इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, तो ऐप एक रिलेशन है ए से बी का, तो ए से बी का मतलब, तो प्यारे बच्चों सबसे पहले क्या करना पड़ेगा ना मुझे, सबसे पहले मुझे ए इंटू बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा कि ए से बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो क्या निकलेगा, यानी कि जो ए इंटू बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकलेगा ए बी वो क्या निकलेगा। यानी कि अगर ये तो बोला गया है कि जो ऐप एक रिलेशन है, मतलब ए और बी, ए सेट और बी सेट के बीच में जो एलिमेंट होंगे उनका रिलेशन ये है, तो एक काम कर लेता हूँ ना, सबसे पहले मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेता हूँ, मामला ख़त्म। चलिए सर है ना, तो सर वन का वन, अब मैं तरीका बताया हुआ है वन का वन के साथ, तरीका जो आपका ना वन का वन के साथ ठीक है, इसी वन का सबके साथ बनाओ, पर वन का नाइन के साथ ठीक है, फिर वन का किसके साथ, अलेवन के साथ, फिर वन का फिफ्टीन के साथ फिर वन का सिक्सटीन के साथ ठीक है। ये फिर चलता रहेगा, मैं इसको ना बड़ा सा कर देता हूँ सर, क्योंकि मुझे पता बहुत बड़ा आने वाला है, ठीक है। फिर वन का हो गया, फिर टू की बात करेंगे, ठीक है, टू का वन के साथ, फिर टू का फाइव के साथ, टू का नाइन के साथ, टू का अलेवन के साथ, टू का फिफ्टीन के साथ, और टू का किसके साथ सर, 16 के साथ। मैंने ऊपर एक एलिमेंट काउंट लिख दिया क्या, एक दो तीन चार पाँच छः, सर टू का फाइव, वन का फाइव के साथ नहीं लिखा मैंने, वो आना चाहिए, ठीक है। चलिए सर बात करेंगे थ्री का, ठीक है सर, थ्री का किसके साथ, वन के साथ, थ्री का फाइव के साथ, थ्री का नाइन के साथ, थ्री का अलेवन के साथ, थ्री का फिफ्टीन के साथ, और थ्री का सिक्सटीन के साथ, ठीक है। फिर किसका बात करें, किसका, फोर का, फोर का वन के साथ, फोर का फाइव के साथ, फोर का नाइन के साथ, फोर का अलेवन के साथ, फोर का फिफ्टीन के साथ, और फोर का सिक्सटीन के साथ, ये बनेगा बेटा, है ना। अच्छा ठीक है प्यारे बच्चों, ये बन गया। अब मुझे बताना है एफ इज ए रिलेशन, ये जो एफ है ये रिलेशन होगा ए से बी का, मतलब ए सेट और बी सेट के बीच में जो एलिमेंट बन रहा है, जो रिलेशन बन रहा है वो ये है, मतलब ठीक है। अब बेटा सिंपल सी बात है, देखो अगर ये जो मेरे पास एक ऑर्डर्ड पेयर है, अगर ये वाले ऑर्डर्ड पेयर इस ए इंटू बी में आ रहे होंगे, ध्यान दो कि बोला गया ना एफ एक रिलेशन है कहाँ से, ए से बी का, तो ए से बी के इतने सारे रिलेशन बन रहे हैं, ए से लेकर बी के जितने भी रिलेशन बन सकते थे मैंने यहाँ पर रख दिए भाई, सारे के सारे रिलेशन, जो भी रिलेशन बन सकते मैंने यहाँ रख दिए। अब चेक कर लो, ढूंढ लो भाई, है ना, अगर ये सारे के सारे रिलेशन इसमें आ रहे होंगे, ए से लेकर बी तक जितने भी पॉसिबल रिलेशन थे वो मैंने रख दिए, तो अगर ये रिलेशन यहाँ पर आ रहे होंगे तो ये एक रिलेशन बन रहा है, और ये सारे के सारे नहीं आ रहे होंगे तो नहीं बन रहा है। चेक करो, वन फाइव यहाँ पर आ रहा है, वन फाइव पीछे लिखा, वन फाइव आ रहा है सर, टू नाइन देख लो, टू नाइन आ रहा है सर, थ्री वन आ रहा है सर, फोर फाइव आ रहा है, टू अलेवन आ रहा है। तो यानी प्यारे बच्चों सिंपल में ये बोल सकता हूँ, ये जो मेरा है ना, जो इसके जो एलिमेंट है वो सारे यहाँ पर लाइक कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बोल सकता हूँ मैं, जो मुझे यहाँ पर बोला गया ना, ये जो ऐप है ये कहीं ना कहीं एक सबसेट है, है ना, ये वाला जो पार्ट है कहीं ना कहीं सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का, मैं बोल नहीं बोल सकता भाई,
है ना, एक रोज बी का है ना, ये यहाँ पर हेयर में बोल सकता हूँ, हेयर यहाँ पर ना हेयर मतलब इसके सारे एलिमेंट इसमें लाई कर रहे हैं है ना, हेयर एप इज सबसेट ऑफ ए टू बी दैट्स वाई है ना है ना, देयर फॉर कि एप इज ए रिलेशन, एप इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, एप एक रिलेशन है ए टू बी का, क्यों इसके सारे जो ऑर्डर्ड पेयर वाले एलिमेंट है वो इसमें लाइक कर रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है सर, ये तो बात क्लियर हो गई। अब बढ़ते हैं, एफ इज ए फंक्शन, कह रहे क्या ये फंक्शन भी है, ये रिलेशन तो हो गया, क्या ये फंक्शन भी है। देखो ऐसे करते, देखो फंक्शन समझने के लिए ना मैंने आपको एरो डायग्राम समझाया हुआ था, एरो डायग्राम ठीक है, यहाँ समझो इसको। ठीक है, एक काम कर लो यार, इसमें आप ऐसे कर लो कि इसमें रख दो भैया ए के एलिमेंट और इसमें रख दो बी के एलिमेंट। ठीक है, तो भैया ऐसे कर दो आप, अब देखो वन का फाइव के साथ, ठीक है ऐसे करो वन का फाइव, चलो ऐसे कर दो, या तो इसमें ए के इसमें बी के, तो एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, इसमें एक पाँच नौ ग्यारह पंद्रह सोलह, एक पाँच नौ ग्यारह पंद्रह सोलह, अच्छा एक एक पाँच नौ ग्यारह पंद्रह सोलह, एक पाँच नौ ग्यारह पंद्रह सोलह, ठीक है वन का फाइव के साथ ओके, वन का फाइव के साथ टू का नाइन के साथ, टू का नाइन के साथ ओके, थ्री का वन के साथ, थ्री का वन के साथ ओके, ठीक है फोर का फाइव के साथ, फोर का फाइव के साथ ओके, ठीक है और टू का अलेवन के साथ, टू का अलेवन के साथ ओ हो 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 हो, ध्यान देखो यहाँ पर हमारे पास एक पुरुष है, ये जो ये एक पुरुष, इसमें पुरुष इसमें नारियाँ, एक पुरुष का दो महिलाओं के साथ, एक पुरुष का दो महिलाओं के साथ बातचीत है, तो ये संभव नहीं हो सकता है ना, ये संभव हो सकता है। आम भाषा में मैथ्स की भाषा में क्या बोलते हैं इसमें, कि हमारे पास सर यहाँ पर जो इसकी है ना, एक एक एलिमेंट की दो इमेज है, एक एलिमेंट की कितनी इमेज बन रही है दो, तो टू का दो इमेज बन रही है, जबकि एक एलिमेंट की एक ही इमेज बननी चाहिए। ठीक है सर, यहाँ बोल यहाँ हम लिखेंगे हियर टू हैविंग, टू हैविंग टू डिफरेंट इमेज, टू डिफरेंट इमेजेस, टू डिफरेंट इमेजेस कौन कौन से, नाइन है ना, नाइन और अलेवन। ठीक है, यहाँ पर दो के दो अलग इमेज बन रहे हैं, जबकि फंक्शन में हर एक एक एलिमेंट का एक इमेज बन सकता है, ऐसे बोल सकते हैं। देयरफॉर एफ इज नॉट अ फंक्शन, एफ इज नॉट अ फंक्शन, एक फंक्शन नहीं होगा, एफ इज नॉट अ फंक्शन फ्रॉम फ्रॉम ए टू बी, एफ एक फंक्शन नहीं होगा ए से लेकर बी है ना, ए टू बी एफ एक फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हो चुका है, ठीक है ये रिलेशन तो है, पर रिलेशन तो है पर हमारा फंक्शन नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 एंड हो चुका है, 10 के बाद दो क्वेश्चन बचे हुए हैं, जल्दी से इसको प्लीज पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन। चलिए सर अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, फिर 12 करते हैं ना सर, क्वेश्चन नंबर 11 सवाल नंबर 11 क्या बोलता है, ये कहता है कि लेट एफ बी द सबसेट ऑफ जेड इन टू जेड। अच्छा ये जो एफ है ना ये एक सबसेट है किसका, जेड इन टू जेड का। अच्छा यानी कि जेड का मतलब इंटीजर है, मतलब ये ऐसा रहा होगा, देखो ये अगर मैं इसको सोल्व करूँ ना ये ऐसा बोलना चाह रहा है, ये बता क्या बोलना चाह रहा है, देखो मेरे पास एक सेट रहा होगा, मतलब जेड मतलब इंटीजर होते हैं, इंटीजर पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, तो जैसे यहाँ पर इंटीजर होंगे बहुत सारे, ठीक है और इंटीजर कुछ भी हो सकता है भाई, हमारे इंटीजर भाई माइनस चार भी इंटीजर है, माइनस तीन भी इंटीजर है, माइनस दो भी इंटीजर है, माइनस एक भी इंटीजर है, जीरो भी इंटीजर है, एक दो तीन, मतलब जो सारे का इसमें लिखते हो यहाँ पर ना, जो सारे के सारे क्या होते हैं साबुत नंबर, साबुत मतलब ना ऐसे ये सारे इंटीजर हैं, तो इनका आपस में कुछ रिलेशन बन रहा है, तो जब इनका आपस में रिलेशन बन रहा होगा चार का माइनस तीन के साथ बहुत इनका आपस में जो बन रहा होगा, तो उसका एक टुकड़ा उसका एक भाग उठाया गया है जो जेड का जेड के साथ रिलेशन बन रहा होगा,
उस कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक थोड़ा सा छोटा सा हिस्सा यहाँ उन्होंने ले लिया, कहीं ना ये ले लिया। अब रिलेशन किस तरह बनाया गया है, ये कि मतलब अगर दोनों को पहले वाले सेट में दोनों ए भी इंटीजर है बी भी इंटीजर है, लिखा है ना ए और बी दोनों इंटीजर है। अब रिलेशन किस तरह बनाया गया, जो फंक्शन हमारा ये जो फंक्शन कह रहा है कि ये किस तरह बनाया गया है, कह रहे कि ए और बी, जो ए और बी है ना, जो मेरे पास ए है ना ए और बी है, अगर मैंने पहले वाले सेट में ऐसा बोलना चाह रहा है, ये देखो लो, ये जैसे मान के चलो इसमें जो दो एलिमेंट लिए ना, अगले में उन्हीं का यहाँ पे इंटीजर यहाँ पे इंटीजर, तो अगले में उन्हीं का हमें प्रोडक्ट लिख देना है। बाय द वे जैसे मैंने यहाँ लिखा 2 और 3, मैंने चलो यहाँ लिखा जैसे मैंने 2 और 3, ठीक है 3 और 2 मान के चलो 3 और 2, तो यहाँ पर 3+2 कितना आएगा अगले में 5 आएगा, ऐसे है ना। जैसे आपने कुछ भी लिख दिया है ना, तो यहाँ प्रोडक्ट लिख दिया आपने दोनों का, ठीक है। इसमें जैसे आपने लिखा कि 4 और 6 कुछ भी लिख दो आप 4 और 6, यहाँ दोनों का सम लिख दिया हमने 4 into 4, यहाँ 4 6 लिखा और यहाँ उनका प्रोडक्ट 6+4 क्या होता है 10, ये ऐसे कह रहा है, ठीक है भाई चलो आपकी बात मान ली है। एपीजे फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड जस्टिफाई योर आंसर, मतलब ये कह रहा है कि क्या ये फंक्शन है, क्या ये फंक्शन होगा, अभी भी डाउट में है ये, इन लोगों को खुद अभी डाउट है, इन लोगों ने हमें क्वेश्चन तो दे दिया पर ये बताओ कह रहे ये ऐसा फंक्शन बनेगा। देखो भाई अगर ये फंक्शन बनेगा तो ये हर एक केस को सेटिस्फाई करेगा, ये बात तो मानते हो भाई, ठीक है एक बार चेक करते हैं फंक्शन है या नहीं, है ना। अब फंक्शन होने के लिए कंडीशन बहुत सारी थी, फंक्शन होने के लिए दो कंडीशन होती है याद है, कि पहले वाले सेट के हर एक एलिमेंट की इमेज बननी चाहिए, पहले वाले सेट के हर एक एलिमेंट की इमेज बननी चाहिए, और हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज होगी, यानी हर एक पुरुष की एक ही नारी के साथ शादी होगी, एक पुरुष की दो बीवियाँ नहीं हो सकती, है ना वो वाली बात है। अब एक बार इसको चेक करते हैं, जैसे इसको चेक करते हैं ये फंक्शन है कि नहीं, ये हर एक केस को सेटिस्फाई करना चाहिए। जैसे कि प्यारे बच्चों चेक यहीं कर लेते थे, 3 और 2 को 3 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ठीक है 6 आता है, ठीक है इनका प्रोडक्ट क्या आता है मेरे पास 6 आता है, ठीक है चलिए काम करते हैं, मैं इसको बड़ा करता हूँ यार ऐसे, मैं और बड़ा करता हूँ और बड़ा, ठीक है तब कहते हैं कि टीचर की जॉब इतनी अच्छी होती है, मतलब क्या आप देख रहे हो मेरे हैं, हाँ देखो जैसे मैंने लिया सर यहाँ बाय द वे कि 3 और 2, ठीक है तो 3 into 2 कितना आया बेटा 6 आया, 6 आया ना, तो यहाँ 3+2 को ऐड कर दो बेटा कितना आया 5 आया, ठीक है तो कहीं ना कहीं 6 का रिलेशन किसके साथ बन रहा है 5 के साथ, यही तो घुमा, ठीक है तो ऐसे ही मेरे पास मान के चलो बेटा प्यारे बच्चों मेरे पास मान के चलो कि मैंने मान लिया -3 और -2 है, -3 और -2 है, तो -3 -2 कितना आएगा 6+6 आएगा, ठीक है अब माने दोनों को जोड़ना -3+2 कितना आएगा सर -3 -2 है ना -5, अच्छा लो सर -3 और -2 कितना आएगा सर -5 आएगा, यानी अब क्या देख रहे हो बताओ 6 का इमेज 5 भी है और इसी 6 का इमेज क्या है -5 है, मतलब एक पुरुष की कितनी बीवियां हो रही है दो बीवियां हैं, तो एक पुरुष की दो बीवियां नहीं होनी चाहिए है यहां पर, हाँ एक ऐसे बोल सकते हैं कि एक महिला की दो पति हो सकते हैं, इसको आप सीरियस मत ले लेना, कहीं आप सीरियस ले ले और हमें बोल दो सर ये नारियों के खिलाफ बोल रहे हैं, ठीक है जस्ट एग्जांपल है, ठीक है कि दो नारियों के एक पति हो सकता है, ये एक नारियों के कई पति हो सकते हैं पर इसके अकॉर्डिंग एक पुरुष के दो बीवियां नहीं हो सकती, तो 6 के दो इमेज बन रहे हैं, 6 के इमेज 5 भी आ रहा है और 6 के इमेज -5 भी आ रहा है, तो इसको ना आप इस तरह करके दिखा सकते हैं, जैसे तो जे इसके दो इमेज बन रहे हैं 6 के दो इमेज बन रहे हैं और एक एलिमेंट का दो इमेज नहीं बनने चाहिए तो ये फंक्शन नहीं है, इट इज़ नॉट अ फंक्शन, ठीक है इट इज़ नॉट अ फंक्शन है। चलिए सर तो इसको लिखना पड़ेगा, जैसे हमें ना पहले जो हमें इसको अगर दिखाना पड़ेगा ऐसा करके कि सर बाय द वे जैसे हमने लिख दिया इसी अंदाज में कि 3 into 2 जो मेरे पास था, ठीक है एक करने पर 6 आ रहा था, ठीक है और सर हमारे पास
ये जो सेम साइड अगर यहाँ पर बना रहा है ठीक है किसी में तो है ना, और साथ साथ बेटा है ना, तो मैंने सिक्स ऐसे बोल दिया कि तो को सिक्स का जो है किसके साथ है, फाइव के साथ, और सिक्स का सिक्स का माने फाइव के साथ है, तो देयरफॉर इट इज नॉट अ फंक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक की दो इमेज बन रही है ना, या क्या बन रही है इसकी, दो इमेज बन रही है, हमने प्रूव करके दिखा दिया ये फंक्शन नहीं है। सर ज़्यादा देर ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 12 की तरह चलते, सवाल नंबर 12 क्या बोल रहा बेटा, बेटा ये कह रहा है कि लेट ए इक्वल टू 9 10 11 12 13, ए में कुछ एलिमेंट है 9 10 11 12 13 एंड एफ एक फंक्शन बन रहा है, एफ एक फंक्शन बन रहा है ए से लेकर एन तक का, अच्छा ए से लेकर एन मतलब कि जो ए सेट होगा ए में पहले में तो ये एलिमेंट आएंगे और दूसरे में आएंगे नेचुरल नंबर्स, मतलब पहले वाले सेट में तो यही आ रहे होंगे, यही एलिमेंट आ रहे होंगे, यही वाले जो ऊपर दिए गए ठीक है, और दूसरे में क्या आ रहे होंगे, दूसरे में नेचुरल नंबर आ रहे होंगे, इसमें ये आ रहे हैं ठीक है, और अगले में आ रहे होंगे हमारे पास नेचुरल नंबर ठीक है, तो ये तो आ गया ठीक है ऐसे ही। तो एफ एन अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है फाइंड द रेंज, निकालना है रेंज तो फंक्शन, मुझे इस फंक्शन का रेंज निकालना है, पर बोला क्या गया है कि लेट एफ जो मेरे पास जो फंक्शन बनेगा वो ए टू एन बनेगा, बी डिफाइंड बाय एफ एन द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन बचे करे। सर सबसे बड़ी यही दिक्कत है बेटा, ये जो लाइन बोली गई ना, ये जो यहाँ पर लाइन बोली गई इसी का पूरा गेम है, यहाँ पर इसी लाइन का पूरा खेल है यहाँ पर। एफ एन मतलब मुझे करना क्या है, देखो बेटा सॉल्यूशन में आता हूँ, मैं समझाता हूँ करना क्या है मुझे ठीक है, करना क्या है, पर मुझे एफ एन लेना है, एफ जैसे एन मतलब एलिमेंट उठाना सेट ए का, देखो सेट ए में कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, 9 10 11 12 13 ए में ये एलिमेंट आएंगे ठीक है, मैं यहाँ उठाऊँगा ए सेट का एलिमेंट, ए सेट का एलिमेंट क्या है 9 है ठीक है, मैं ये उठाऊँगा, उसके बाद जो मुझे आउटपुट मिलना चाहिए, जो आउटपुट होगा यानी जो इस वाले सेट में आएगा, द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन मतलब इस एन का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर बचे करे कैसे, देखो बेटा 9 के फैक्टर क्या होता है सर, अगर हम 9 के फैक्टर करोगे यार 9 के तो फैक्टर बनेंगे, जो 9 के फैक्टर बनेंगे ना सर, 9 के फैक्टर क्या क्या बनेंगे सर, 9 के फैक्टर तो 9 के फैक्टर सर हमारे जो 1 भी बनेगा, फैक्टर बात कर रहा हूँ फैक्टर, 9 के फैक्टर एक तो खुद 9 होता है, एक 1 होता है, एक 3 भी होता है, तो 9 के जो प्राइम फैक्टर है, 9 के प्राइम फैक्टर, 9 के जो प्राइम फैक्टर होना चाहिए है ना, वो प्राइम फैक्टर भी होना चाहिए और सबसे बड़ा फैक्टर भी होना चाहिए। देखो बेटा 9 के 3 फैक्टर होते हैं, 9 होता है, 1 होता है, 3 होता है, इसके फैक्टर, पर ये दोनों तो प्राइम नहीं है और इसका एक फैक्टर है 3, वो प्राइम भी है और सबसे बड़ा भी है, मतलब प्राइम फैक्टर होना चाहिए पर प्राइम फैक्टरों में वो सबसे बड़ा होना चाहिए, वैसे 9 का फैक्टर तो खुद 9 है, 9 सबसे बड़ा है पर 9 प्राइम नहीं है ना ठीक है, और ओके कोई दिक्कत नहीं, जैसे मैंने उठाया 10 ठीक है, 10 का फैक्टर सर, 10 का फैक्टर क्या है, 10 का फैक्टर क्या होता है सर, 10 का फैक्टर 2 भी होता है, 5 भी होता है, 10 के प्राइम फैक्टर बात कर रहा हूँ मैं, 10 के प्राइम फैक्टर कौन कौन से होते हैं, एक 2 होता है और एक 5 होता है, दोनों प्राइम है पर दोनों बड़ा कौन है, 5, मैं 5 लिखूंगा, जो बड़ा है वो लिखना है यहाँ पर ठीक है। यहाँ पर और कुछ क्या पुट करो बेटा, और क्या पुट करो, 11 पुट करो ठीक है सर, 11 का कौन कौन से फैक्टर होते हैं यार, 11 का फैक्टर तो अगर प्राइम फैक्टर की बात करें तो 11 का तो प्राइम फैक्टर 11 ही होता है और वही सबसे बड़ा है, 11 लिख दो। 12 सर, 12 के प्राइम फैक्टर कौन कौन से होते हैं, 12 का प्राइम फैक्टर 2 भी होता है, 12 का प्राइम फैक्टर 3 भी होता है ठीक है ना, 4 नहीं होता, फोर्थ फैक्टर होता है पर फोर्थ प्राइम नंबर नहीं है, तो 12 के दो फैक्टर होते हैं 2 और 3, तो 12 के दो फैक्टर होते हैं 2 और 3, तो सर कौन सा फैक्टर बड़ा है, कौन सा फैक्टर बड़ा है, 3 बड़ा है ना, पक्का 3 बड़ा है, पक्का 3 बड़ा सर ठीक है, 13 ठीक है, 13 के फैक्टर क्या होते हैं, 13 के प्राइम फैक्टर में 13 नहीं आता, खुद 13 हो गया सर, तो यानी जो अगले सेट में एंड में ये एलिमेंट आ जाएंगे 3 5 11
313 है ना, 3511 313 सर, ये इनके आगे प्राइम फैक्टर आ गए, ये इनके आगे प्राइम फैक्टर। ठीक है, अब मुझे बताना है फाइंड द रेंज, तो ये डोमेन है और ये रेंज है। तो बच्चों यहाँ पर जो रेंज बनेगा मेरा, सर ये ना क्या हो जाएगा सर, 3 हो जाएगा और 5 आ जाएगा, ठीक है 11 आ जाएगा और 13, ठीक है सर 3, 5, 11 और 13, ये सर इसका क्या हो गया, इस सेट का मेरा इस क्वेश्चन का रेंज हो गया सर, है ना। सेकंड वाले सेट के जो एलिमेंट होते हैं वो रेंज में आएंगे सर, वो मेरे रेंज हो गए सर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसी के साथ ये जो मेरा क्वेश्चन नंबर 12 तो वो एंड होता है और चैप्टर 2 की मिसलिनियस एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है और चैप्टर 2 भी एंड हो जाता है। बाकी कोशिश करेंगे कि जो चैप्टर 2 के कुछ रेंज डोमेन निकालने के क्वेश्चन हैं उसको हम कुछ लेक्चर लेके आऊँगा। बाकी हमारे कुछ क्लासेस अभी ऑनलाइन चल रही है दूसरे प्लेटफॉर्म में, जैसे वेब एक्स, जूम ऐप पे, वहाँ पे बच्चों के हम डाउट्स लेते हैं। ठीक है, तो अगर किसी बच्चों को हमसे जुड़ना है तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर सकता है और हमसे जुड़ सकता है और वहाँ पर हमसे डाउट क्लासेस ले सकता है। ठीक है सर, मिलते हैं सर नेक्स्ट वीडियो में नए दिन के साथ, तब तक के लिए सर जय हिंद जय भारत। चलिए सर थोड़ा सा ये देश में दिक्कत हो गई थी, थोड़ा सा वीडियो आउटसाइड बोर्ड पूरा नहीं दिख पाया था, तो आप इसको आप सर राइट डाउन कर लीजिए।